हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं जिस पर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो जेएनयू की पहले महिला वाइस चांसलर नियुक्त हो गई हैं। तो कौन है उनके बारे में बात करेंगे। लद्दाख में झील पर चाइना जो है ब्रिज बना रहा है, तो 3D मैप के थ्रू आपको बताएंगे और इंडिया ने उसे गैरकानूनी बताया है। तो कैसे कैसे क्या बातें हैं, एक एक पॉइंट पर 3D मैप का यूज़ करके बताएंगे। इतना सब कुछ तनाव चल रहा है, उसके बावजूद चीन से इंडिया का आयात जो है वो लगातार बढ़ गया है रिकॉर्ड स्तर पर 2021 में। तो कितना रहा है इस पर चर्चा होगी। हरियाणा की कैबिनेट ने धर्मांतरण रोधी विधेयक को मंजूरी दी है, तो उसके बारे में बात होगी। हरियाणा के ही जो कानून था स्थानीय आरक्षण का, जो निजी क्षेत्र में था, उसको हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। क्या कानून था इस पर डिटेल में बात होगी। IPL अहमदाबाद की जो फ्रेंचाइजी है उसका नाम चेंज हुआ है। उत्तराखंड में नए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। केंद्र सरकार ने लता मंगेशकर के नाम का डाक टिकट जारी करने का ऐलान किया। इसके अलावा भी कई और टॉपिक है जिस पर डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों, पसंद आए तो लाइक बटन जरूर दबा देना और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें। शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, आप लोगों को इंतज़ार था कि 2022 का करंट अफेयर्स का PDF क्यों नहीं आ रहा है अब तक, तो अवेलेबल हो गया है। अब एक मेंबरशिप का प्लान आप लोगों के लिए लाया गया है बहुत मामूली सी रकम में, और उसके थ्रू आप एक साल तक, जब भी आप इसके मेंबर बनते हैं तो एक साल तक आपको करंट अफेयर्स वीकली, मंथली, ईयरली, पिछले साल के भी करंट अफेयर्स के PDF अवेलेबल होंगे, वहां से जब चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीकली करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट होगा, आपने जो भी करंट अफेयर्स की तैयारी की है कैसी है वो भी टेस्ट हो जाएगा, और एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज भी होंगे अलग अलग एग्जामिनेशंस के, UPSC के तमाम एग्जामिनेशन, SSC के एग्जामिनेशन, स्टेट के जो भी एग्जामिनेशंस हैं उन सब के, ओके। और जो भी बुक्स हैं उस पर 40% डिस्काउंट होगा, जो सरकारी जॉब ने उसकी जो बुक्स हैं उस पर, और फ्री शिपिंग होगी। तो अगर आप मेंबर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, वहाँ पर लिंक अवेलेबल है। बहुत मामूली सी रकम है, उसके थ्रू आप मेंबर बन सकते हैं, तो आपके काम आएगा। और जैसे हर बार हम लोग PDF देते हैं, जारी करते हैं, ऐसे ही PDF आएगा, लेकिन साथ में ये सारी नई चीज़ें भी ऐड हो रही हैं जो आपको टेस्ट जो भी है, तैयारी कैसी हो रही है, उन सबको जांचने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। सबसे पहले सवाल आपसे, आज सवाल आपसे है कि बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपये के खर्च का लक्ष्य रखा है, मतलब कि इंडिया का जो बजट है वो कितने रुपए का बनाया गया है। तो इनमें से कौन सा आंसर सही है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, कमेंट बॉक्स में जाकर बताइए, और मैं इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के आखिरी हिस्से में दूंगा। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, JNU की पहली महिला कुलपति कौन है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। आंसर होगा शांतिश्री धूमीपुडी पंडित, ठीक है। न्यूज़ आप देख रहे हैं, फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ JNU, और फोटोग्राफ ये रहा। तो शिक्षा मंत्रालय ने 7 फरवरी को ये नई जिम्मेदारी इनको दी है, कुलपति के तौर पर यानी वाइस चांसलर के तौर पर उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। और उन्होंने किन की जगह ली, तो पूर्व कुलपति M जगदीश की जगह ली है। इनके बारे में शॉर्ट में बताऊँ, जन्म हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, रूस में, शुरुआती एजुकेशन चेन्नई में हुई थी, JNU से उन्होंने MPhil और PhD भी किया था, और वर्तमान में वो सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और अब इनको JNU का वाइस चांसलर बना दिया गया है। JNU का 53 ईयर का इतिहास है और अभी तक 12 कुलपति बनाए गए हैं, तो 13वें कुलपति के तौर पे शांतिश्री धूलीपुडी पंडित ये रहेंगी और पहली महिला कुलपति। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 3D मैप के थ्रू आपको बताएंगे। क्वेश्चन होगा, लद्दाख में किस झील पर चाइना ब्रिज बना रहा है जिसे भारत ने गैर कानूनी बताया है। आंसर होगा इसका पैंगोंग से लेक, पैंगोंग झील, ओके। अभी क्यों चर्चा हो रही है, वैसे बना यह दिसंबर 2021 से रहा है, मतलब 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं। अभी चर्चा इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट में सरकार ने ये इस पर बयान जारी किया और कहा कि चाइना जो है इलीगल ऑक्यूपेशन में ब्रिज बना रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं मैप के थ्रू। तो ये रहा प्यारा भारत सामने आपके, और अब चलते हैं लद्दाख की ओर, ओके। लद्दाख में यहाँ पर ये रहा
रही पेंगोंग से लेक, काफ़ी लंबी है वहाँ से लेकर यहाँ तक, और बीच में एलएसी है इस पर, 135 किलोमीटर लंबी है, लैंड लॉक झील है मतलब चारों तरफ से ज़मीन है उसके बीच में यहाँ से वहाँ तक 135 किलोमीटर। इसके कुछ हिस्से पर चीन का कंट्रोल है और कुछ पर इंडिया का कंट्रोल है। ओके, तो एलएसी जो है वो यहाँ से होकर जाती है यहाँ से, ठीक है। तो इसी पर अब आपको दिखाते हैं, जो झील पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है ये यहाँ पर किया जा रहा है इस जगह पर, तो इस जगह पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। ओके, और ये न्यूज़ आप देख रहे हैं, ठीक है। इसके बारे में और फोटोग्राफ दिखाऊं, ये जो अलग अलग मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ये फोटोग्राफ जारी किया है, तो ये सैटेलाइट इमेज है, मैक्सा टेक्नोलॉजीज ने जारी किया था, और उसके मुताबिक अभी चूंकि ठंड का मौसम है इसलिए पूरी की पूरी जो झील है वो जम चुकी है, फ्रीज हो चुकी है। तो उसी में यहाँ का ये जो फोटोग्राफ है ये इनलार्ज करके ये ब्रिज बनाया जा रहा है, कहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का। ये ब्रिज की लंबाई कितनी है, तो 400 मीटर है ये ब्रिज की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, और 8 मीटर चौड़ा ये पुल बनाया जा रहा है, और ये पेंगोंग से लेक के उत्तरी और दक्षिणी तट को ये कनेक्ट करने का है। ओके, और ब्रिज के उत्तरी सीमा पर आप मैप के थ्रू बताता हूँ, ये देखिए यहाँ पर है, और यहाँ से जो हम लोग का टेंशन चल रहा था 2021 मार्च तक काफ़ी टेंशन रहा है, तो ये यहाँ पर रहा है, और ये क्या है, ये पेंगोंग से लेक पर पहाड़ियों की, इसको कहते हैं फिंगर्स। ओके, जैसे क्या होता है, जैसे आप ये मुट्ठी बांधते हैं तो अलग अलग फिंगर्स निकलते हैं आपके, ठीक है, इसी तरीके से ये पहाड़ी है वहाँ पर, और फिंगर वन है, फिंगर टू है, फिंगर थ्री है, फिंगर फोर है, फिंगर फाइव है, सिक्स है, सेवन है, और ये एट है। इंडिया का ये कहना है कि जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो यहाँ से होकर जाता है। अभी मार्च तक चाइनीज़ आर्मी यहाँ पर जमा थी, और इंडिया का जो पोस्ट है वो यहाँ पर है अभी भी, ITBP का और इंडियन आर्मी का। ओके, तो मार्च के बाद जब बातचीत हुई तो ये यहाँ से पीछे हटा, और टेंशन इसी बात पर थी कि पहले इंडिया यहाँ तक गश्ती कर लेता था लेकिन चीन ने यहीं पर रोक लिया था इंडिया को। ओके, पेंगोंग से लेक पर इसी वजह से विवाद हुआ था, बाद में चीन यहाँ पर आके जम गया था, फिर बातचीत हुई, फिर डिसएंगेजमेंट हुआ, फिर ये यहाँ से पीछे हटा है। तो पीछे हट के इसी के आसपास उसने अपना पूरा जगह बनाया हुआ है, कैंप वैम्प बनाया हुआ है यहाँ पर। ओके, अब क्या मामला है, इस जो टोटल जो टेंशन हुआ उस दौरान क्या हुआ, क्या था, हुआ ये था कि जब चीन यहाँ पर आ गया था, एक बार मैप और जूम करता हूँ, हाँ ये देखिए, तो हुआ यूँ कि अभी जो है वो चीन यहाँ पर बना रहा है। ओके, तो हुआ ये था कि जब चाइना यहाँ तक आ गया था, यहाँ पर था, तो इंडिया ने क्या किया, ये है ब्लैक टॉप, इंडिया इस पहाड़ी पर पहुंच गया और यहाँ से इसने सबको निशाने पर ले लिया था, पूरे इलाके को, इस जगह को, और ये एक तरह से इंडिया ने इस पर कब्जा कर लिया था ब्लैक टॉप पे। इसी के पास से एलएसी होकर जाती है और यहाँ से सीधी नज़र थी इन सब पे, क्योंकि पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर दूसरी तरफ देखना बड़ा मुश्किल होता है नीचे से, ये नीचे का इलाका है जहाँ इंडियन आर्मी वगैरह होती है और यहाँ पर इंडियन आर्मी, तो यहाँ से तो देखेगा ही नहीं कि यहाँ के क्या है, या तो सैटेलाइट से देखो आप, और सीधे अगर निशाना लगाना है तो लगा नहीं सकते, तो इसलिए ब्लैक टॉप पे चर्चा हुई थी काफ़ी, पिछले साल की बात है। तो इंडिया यहाँ पर आ गया था, अब क्या हुआ कि चाइनीज़ आर्मी का कंट्रोल तो इधर तक है, एलएसी इधर ही से होकर जाता है, माना जाता है कि एलएसी यहाँ से है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि चाइनीज़ आर्मी को यहाँ तक पहुँचने के लिए पूरा घूम कर जाना पड़ा था और कई किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती, मतलब यहाँ पर पहुँचना है तो उनको यहाँ से उठ के तब यहाँ आना पड़ा था। ओके, तो इसी वजह से चाइना क्या कर रहा है, चाइना यहाँ पर ब्रिज बना रहा है ताकि वो सीधा यहाँ से यहाँ पर पहुँच सके, और इसी के आसपास बहुत सारे मतलब वहाँ से अब यहाँ पहुँच पाएगा इस जगह पर ब्लैक टॉप के आसपास। ओके, तो ये पूरा मुद्दा है और इसी वजह से टेंशन है, और इंडिया ने आखिरकार ये कहा है कि चाइना इलीगल ऑक्यूपेशन
की जगह पर जो है ब्रिज बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बना रहा है, मैप तो आप देख रहे हैं यहाँ से जा रहा है, लेकिन ब्रिज यहाँ पर बन रहा है और आगे बन रहा है, ओके। तो ये रहा ब्रिज। तो मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे, इंडिया और चाइना के बीच में टेंशन जो है वो अभी भी चल रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर भारत सरकार ने क्या कहा है, तो विदेश मंत्रालय में जो केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं वी मुरलीधरन, तो उन्होंने अभी हाल ही में फरवरी में ही कहा कि चीन पैंगोंग झील पर एक ब्रिज बना रहा है जिसको भारत ध्यान से ले रहा है। और उन्होंने ये कहा कि चीन ये ब्रिज उस क्षेत्र में बना रहा है जहाँ पर 1962 से ही इलीगल ऑक्यूपेशन है चाइना का। चाइना ने 1962 के युद्ध के दौरान जो है काफ़ी कब्जा कर लिया था लद्दाख के एरिया में, तो उसी एरिया में अभी बना रहा है। और भारत कभी भी इलीगल ऑक्यूपेशन को नहीं मानता है और हर बार ये कहता रहा है इंडिया कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये भारत के अभिन्न हिस्से हैं। तो ये ब्रिज है और वो है लद्दाख में। लद्दाख की बात कर लें, वहाँ के उपराज्यपाल कौन है, आर के माथुर, और राजधानी क्या है, लेह। अगला क्वेश्चन भी चीन से जुड़ा हुआ है और क्वेश्चन होगा चीन से भारत का आयात बढ़कर वर्ष 2021 में कितना हो गया है। आंसर होगा 97.52 बिलियन डॉलर। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू में पब्लिश हुई है और लिख रहा है नियर 100 बिलियन डॉलर, एक्चुअल डेटा ये होगा। और दोनों के बीच में जो ट्रेड हुआ है, यानी हमने वहाँ सामान भेजा, उसने हमें सामान दिया, टोटल जोड़ लें तो होगा 125 बिलियन डॉलर। आंकड़े के अनुसार इसको देख के चलते हैं तो ये इंडिया और चाइना का ट्रेड है, ये डेटा है। 2021 में 125.66 बिलियन डॉलर, 2020 में कम हुआ, कोविड-19 का काफ़ी इफेक्ट था इस वजह से भी, तो 87.6 बिलियन डॉलर। उससे पहले 2019 में 92.8 बिलियन डॉलर। मतलब पिछले 2-3 साल की देखें तो हम अप ही हुए हैं लगातार, ओके। और अगर हम बात करेंगे कि आयात कितना हुआ है, तो 2021 में हमने आयात किया है बहुत बड़ी मात्रा में, यानी 97.52 बिलियन डॉलर। उससे पहले 2021 में हमने आयात किया था 66.7 बिलियन डॉलर का। मतलब हम आयात बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और अगर बात होगी कि ट्रेड डेफिसिट कितना है चाइना के साथ, यानी व्यापार घाटा कितना है, और ये है ट्रेड डेफिसिट, डेफिसिट यानी नुकसान, वो कितना हुआ 2021 में 69.4 बिलियन डॉलर का, और 2020 में कितना था 45.4 बिलियन डॉलर का, और 2019 में 56.8 बिलियन डॉलर का। व्यापार घाटे का मतलब क्या हुआ, देखिए इसको बेसिकली समझना ये होगा कि हम जो व्यापार करते हैं पूरी दुनिया में वो डॉलर से ही करते हैं, और दुनिया भर में डॉलर से ही व्यापार होता है, एक देश दूसरे देश से आमतौर पर ऐसा ही करते हैं। तो हमने जो सामान मंगवाया उसके लिए ज़्यादा डॉलर दिए, लेकिन जब हमने सामान बेचा उसको तो कम सामान बेचा, तो इसलिए हमें कम डॉलर मिले, तो इसलिए हमें डॉलर की का नुकसान हुआ, तो ट्रेड में डेफिसिट हुआ, मतलब हम बराबरी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये इतना बढ़ गया, और ये कितना पिछले साल यानी 2020 की तुलना में कितना बढ़ गया है, ये बढ़ गया है 43.3%, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर इस चीज़ सबको रुपए में कन्वर्ट करेंगे कि रुपए में कितना ये रहा, तो 125.66 बिलियन डॉलर जो है वो लगभग 9.35 लाख करोड़ रुपए के आसपास होता है, ओके। और ये जो इंडिया ने आयात किया ये 97.52 बिलियन डॉलर, ये लगभग कहते हैं इसको 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास, ठीक है। तो इतना देख रहे हैं आप कितना घाटा हो रहा है। और अगर हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे कि इंडिया ने एक्सपोर्ट कितना किया है, तो 2021 में 28.14 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट किया था चाइना को, और 2020 में उससे पहले हमने किया था 20.9 बिलियन डॉलर। मतलब पिछले साल के मुकाबले हम थोड़ा बढ़े हैं, लेकिन आयात में जितना बढ़े हैं उतना उसके तुलना में हम कम बढ़ पाए, ओके। तो इंडिया और चाइना, इन दोनों के बीच में टेंशन चल रहा है एलएसी पर, और आपने देखा कि इंडिया के इलीगल जो चाइना ने ऑक्यूपेशन किया हुआ है लद्दाख में, वहाँ पर उसके होने के बावजूद हमारा ट्रेड जो है वो लगातार बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि ट्रेड क्यों बढ़ गया, तो देखिए पिछले साल कोविड-19 था और उसमें हमें बहुत सारे जो मेडिकल इक्विपमेंट थे जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वगैरह वगैरह और भी चीज़ें, तो वो सब हमें मंगवाने पड़े, और
इंडिया क्यों नहीं चाइना को भेज सका, ऐसा एक्सपर्ट का कहना है कि इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की ज़रूरत है और यहाँ की क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो क्वालिटी है, और बेहतर करने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो लाइक बटन जोर दबा देना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को, शेयर जोर कर देना। अगला क्वेश्चन लेते हैं, IPL की अहमदाबाद फ्रेंचाइजी का नाम बदलकर क्या रखा गया है, नया नाम क्या होगा? आंसर होगा गुजरात टाइटंस। ओके, गुजरात टाइटंस नाम होगा। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, गुजरात टाइटंस इंडियन एक्सप्रेस में, तो नई फ्रेंचाइजी है तो उसने ये नाम अपना चेंज किया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, IPL की लखनऊ फ्रेंचाइजी टीम का नाम क्या रखा गया है? तो इसका आंसर होगा लखनऊ सुपर जाइंट्स। ओके, लखनऊ सुपर जाइंट्स। तो IPL है, टोटल 10 टीमें हैं, चेन्नई, दिल्ली, गुजरात, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंजाब, राजस्थान, बेंगलुरु, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने किस सिंगर के सम्मान में डाक टिकट जारी करने का फैसला किया है? आंसर होगा लता मंगेशकर। ओके, लता मंगेशकर के नाम पर, जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, रेल मंत्री भी हैं और IT मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने इसके बारे में कहा है कि दिवंगत जो गायिका लता मंगेशकर थी, तो उनके याद में ये डाक टिकट जारी होगा। इनका निधन हुआ था, लता मंगेशकर का, 6 फरवरी 2022 को। ठीक है, तो 3 तरह के टिकट पर विचार चल रहा है, आगे पता चलेगा कि किस तरह के टिकट्स जारी होते हैं। तो 28 सितंबर को लता मंगेशकर की जयंती होती है, तो उसी दौरान लॉन्च होने की उम्मीद है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य की कैबिनेट ने धर्मांतरण रोकथाम विधेयक को फरवरी 2022 में मंजूरी दी है? आंसर होगा हरियाणा। विधेयक का नाम क्या होगा? एक तो ये न्यूज़ देख रहे हैं आप, विधेयक का नाम है हरियाणा धर्मांतरण रोकथाम विधेयक 2022। इंग्लिश में कहेंगे इसे हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022। तो अभी कैबिनेट ने पास किया है, इसके बाद इसे, इस विधेयक को वहाँ की विधानसभा में पेश किया जाएगा। इसमें यही बात है कि जबरन लालच देकर या फर्जी तरीके से धर्मांतरण पर रोक लगाने और धर्म को छुपाकर किए गए विवाह को अमान्य घोषित करने का इसमें प्रावधान है। ठीक है, तो अलग अलग राज्यों ने भी इस पर कानून बनाया हुआ है, बहुत सारे राज्यों ने 10 साल के सजा का प्रावधान रखा हुआ है। तो इस मुद्दे पर ये, इसके बारे में और जो डिटेल है विधेयक में क्या क्या है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा जब इसको सरकार विधानसभा में पेश करेगी। और सरकार के जो मंत्री हैं और अधिकारी हैं, उन लोगों का कहना है कि लव जिहाद काफ़ी बढ़ गया है। वैसे तो लव जिहाद जो शब्द है उसको BJP या उसके समर्थक के द्वारा प्रयोग किया जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ये बताया गया है कि लव जिहाद शब्द जो है वो कानूनी ढंग से कहीं प्रभावित नहीं है और इस कानून में भी इस शब्द का यूज़ नहीं किया जाएगा। ओके, तो ये एक मुद्दा है। हरियाणा की बात हो रही है, मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और ये जो धर्मांतरण रोकने का यह कानून है, ये कई राज्यों में है, जैसे मध्य प्रदेश में, सबसे पहले तो उड़ीसा में ही हुआ था 1967 में ही, उसके बाद 1968 में मध्य प्रदेश में लागू हुआ, फिर अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर गुजरात में 2003 में, हिमाचल प्रदेश में 2019 में, झारखंड में 2017 में, उत्तराखंड में 2018 में, UP में 2020 में इस तरह का कानून आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में कितने प्रतिशत स्थानीय आरक्षण के कानून को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, उस कानून पर स्टे कर दिया है? आंसर होगा 75% जो था रिजर्वेशन फॉर लोकल्स, उस पर स्टे कर दिया है। हालांकि इसके बाद हरियाणा की सरकार ने ये कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि इस मामले में जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको ख़त्म किया जाए। हुआ यह है कि फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी और कहा था कि उनका तो बिजनेस ही खराब हो जाएगा। तो क्या है ये 75% रिजर्वेशन पॉलिसी? ठीक है, हरियाणा सरकार ने ये कानून बनाया था कि हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020,
उसके तहत ये था कि प्राइवेट सेक्टर में राज्य के युवाओं को 75% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। उसमें यह नियम था कि 30,000 मासिक सैलरी तक की नौकरियों पर यह कानून लागू होगा। तो जिस जिले में कंपनी स्थापित है वहाँ के 10% युवा और बाकी 75% मतलब 65% बाकी जो है उस राज्य के युवाओं को रोजगार देना कंपलसरी था, 30,000 से कम सैलरी वाले। इस मामले में जो उद्योगपति लोग हैं उन लोगों ने आपत्ति जताई और उसके बाद ये हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा है, खासतौर पर अमेरिका में जो भारतीय हैं उनके बीच में काफ़ी चर्चा है और भेदभाव को लेकर है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन होगा, अमेरिका में किस यूनिवर्सिटी ने भेदभाव रहित नीति में जाति को जोड़ा है जो काफ़ी चर्चित है। इस आंसर होगा कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी। अभी हाल ही में उसने क्या किया है कि जाति को जो है यानी भेदभाव जो नीति होती है उसमें जाति को जोड़ा है कि अगर जातिगत भेदभाव होता है तो फिर कार्रवाई हो सकती है। ओके, ये पॉलिसी शिक्षण संस्थान में जो व्याप्त जाति के आधार पर जो भेदभाव है उसको खत्म करने के लिए लाया गया है। देखिए, एक चीज़ तो समझ लीजिए, चाहे भारत हो चाहे अमेरिका हो, जातिवाद जो है ना वो हर जगह पहुंच जाता है। चाहे आप कितने भी अच्छे देश में चले जाएं, लेकिन अगर किसी के मन में जातिवाद का कीड़ा बैठा हुआ है तो वहाँ भी भेदभाव करने लगता है। और ऐसा ही मामला कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में भी आया था। तो नेपाल के एक प्रेम परियार थे, 2015 में अमेरिका पढ़ने गए, इस दौरान अमेरिका में जातिवाद उन्होंने महसूस किया। 2019 में कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने एडमिशन लिया था। एडमिशन के दौरान जब दूसरों को पता चला कि वो ऐसा माना जाता है कि वो नीची जाति के हैं, तो दूसरे छात्रों ने उनसे दूरी बना ली थी, बातचीत कम करना, खाना पीना कम करना साथ में, तो इस तरह की बातें सामने आई, फिर शिकायत हुई। तो यूनिवर्सिटी ने अब क्या किया है, इसको जोड़ दिया है जाति को भी, मतलब कि भेदभाव का भी कोई मामला होगा अगर जातिगत भेदभाव है तो इस मुद्दे पर कार्रवाई हो सकती है भेदभाव करने वाले पर। हालांकि इस मुद्दे पर वहाँ जो भारतीय शिक्षक हैं उन्होंने काफ़ी आपत्ति जताई है और इस पॉलिसी का विरोध किया है। 80 प्रोफेसर्स ने ये चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हिंदू अमेरिका फाउंडेशन है, उसने विरोध जताया, कहा कि इससे भारतीय शिक्षक और छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस एक्टर को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है अक्षय कुमार। चुनाव अभी सिर पर है और अक्षय कुमार को वहाँ के मुख्यमंत्री ने यानी पुष्कर सिंह धामी ने ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। ये उस समय की तस्वीर है जब ब्रांड एम्बेसडर अनाउंस किया जा रहा था। अक्षय कुमार नागरिक कहाँ के हैं? कनाडा के नागरिक हैं, भारत के नागरिक नहीं हैं। उन्होंने भारतीय नागरिकता छोड़ी हुई है, एक बात अब ध्यान रखना। ओके, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मशहूर एक्टर हैं, शानदार अभिनय करते हैं वो अलग अलग फिल्मों में। तो 7 फरवरी 2022 को अक्षय कुमार मिलने पहुँचे थे मुख्यमंत्री से, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, और उसी दौरान उन्होंने कहा कि आप ब्रांड एम्बेसडर बन जाओ और उत्तराखंड के बारे में जो बेहतरीन बातें हैं उसका प्रचार प्रसार कीजिए। तो अक्षय कुमार, इनको 2009 में पद्मश्री मिल चुका है, ठीक है। और इससे पहले अभी कुछ महीने पहले दिसंबर 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी हैं ऋषभ पंत, उनको भी उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी IOC ने लॉस एंजल्स ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 जो होने वाला है उसमें किन 3 शहरी खेलों को शामिल किया है? तो आंसर ये रहा, स्पोर्ट स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। तो इनको शामिल किया है, इन 3 को। न्यूज़ आप देख रहे हैं द हिंदू के स्टार स्पोर्ट्स जो मैगजीन है उसमें इसके बारे में बताया गया है डिटेल में। ओके, तो इन 3 खेलों को शामिल कर दिया गया है। और अब देख लेते हैं कि कौन कौन से आगे ग्रीष्मकालीन कहाँ कहाँ होने वाले हैं। जब हम 28 की बात कर रहे हैं तो इस अगला जो है 24 में ये पेरिस में होगा, फ्रांस में।
2028 में लॉस एंजलस अमेरिका में होगा, और 2032 का भी तय हो चुका है तो ब्रिस्बन ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने होशंगाबाद का नया नाम नर्मदापुरम, शिवपुरी का नाम कुंडेश्वर धाम और बाबई का नाम माखन नगर करने की स्वीकृति प्रदान की है, तो ये किस राज्य में है? मुझे लगता है सबको पता होगा, आंसर है मध्य प्रदेश। न्यूज़ आप देख रहे हैं। देखिए, वैसे तो राज्य सरकार ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखने का ऐलान फरवरी 2021 में यानी एक साल पहले कर दिया था, लेकिन चूंकि अगर आप कहीं का नाम बदलते हैं तो केंद्र सरकार की भी सहमति जरूरी होती है, तो इसलिए केंद्र सरकार के सहमति का इंतजार था। तो अब एक साल बाद आप न्यूज़ भी देख रहे हैं कि सेंटर क्लियर्स बाय सेंटर, मतलब केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया है और कह दिया कि ठीक है, हम सहमत हैं इस मुद्दे से। तो केंद्र सरकार ने होशंगाबाद का नाम तो नर्मदापुरम करने का कर दिया है। टीकमगढ़ जिले में शिवपुरी है तो उसे अब जाना जाएगा कुंडेश्वर धाम के नाम से, ध्यान रखना। और नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद पूर्व में उस जिले का जो बाबई एक जगह है उसका नाम अब माखन नगर के नाम से जाना जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी प्रसिद्ध व्यक्ति थे, जर्नलिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पर ये नाम माखन नगर रखा गया है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कौन? शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने ही इसका ऐलान किया। वहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी सेफर इंटरनेट डे ये कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा फरवरी के दूसरे सप्ताह के दूसरे दिन। ओके, फरवरी में दूसरा सप्ताह होता है उसका दूसरा दिन, और 2022 में ये 8 फरवरी को मनाया गया है। ओके, सुरक्षित इंटरनेट दिवस, ताकि सब लोग सुरक्षित इंटरनेट का यूज़ कर सकें। 2022 की थीम क्या है? एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। अगला क्वेश्चन है, AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 किस देश ने जीता है? ये फुटबॉल कप है। आंसर होगा चाइना, चाइना ने ये जीत लिया है। इंडिया में ही ये हो रहा था तो चीन ने इसको जीता है। इंडिया में कहाँ हो रहा था? तो भारत की नवी मुंबई की DY पाटिल स्टेडियम में ये आयोजित किया गया था। तो ये 20 जनवरी से चल रहा था 6 फरवरी तक, तो फाइनली चाइना की टीम जो थी उसने ये जीत लिया है वुमेन्स एशियन कप को। ओके, ये आप देख रहे हैं, 9वीं बार ये कप जीता है चाइना ने। अगला क्वेश्चन लेते हैं, महाभारत के किरदार प्रवीण का निधन 8 फरवरी 2022 को हो गया, तो वो किस भूमिका के लिए मशहूर थे? आंसर होगा भीम। ओके, उनका निधन हुआ है 74 ईयर की उम्र में, तो वो B.R. चोपड़ा की जो प्रसिद्ध जो सीरियल था महाभारत, उसमें भीम का किरदार निभाया था, घर घर में काफ़ी प्रसिद्ध थे। उन्होंने लगभग 50 फिल्में और टीवी शो किए थे। पहली फिल्म 1981 में आई थी, मूवी थी रक्षा। आखिरी फिल्म 2013 में आई थी, उसका नाम था बार बार के। ओके, तो ये इनके बारे में बताऊँ, ये खिलाड़ी भी रहे हैं, एथलीट रहे हैं डिस्कस थ्रो में, इन्होंने शानदार भूमिका निभाई है। एशियन गेम्स में वो 4 बार मेडल जीत चुके हैं, 2 बार गोल्ड, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीत चुके हैं वो। ओके, और ओलंपिक खेल जो 1968 में हुआ था मैक्सिको, और इसके अलावा 1972 म्यूनिक गेम्स उसमें भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। अर्जुन अवार्ड मिल चुका है इनको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, रेलवे सुरक्षा बल ने RPF ने मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? आंसर होगा ऑपरेशन आहट। मुख्य रूप से ये महिलाओं, बच्चों, इन सबको बचाने यानी जो क्राइम हो रहा है उससे बचाने के लिए फोकस किया गया है। ठीक है, तो रेलवे बोर्ड के CEO कौन है और चेयरमैन कौन है रेलवे के? आंसर होगा VK त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपना प्रबंध निदेशक यानी मैनेजिंग डायरेक्टर किसे बनाया है? आंसर होगा राहुल भाटिया। ओके, राहुल भाटिया को बनाया गया है, वो सह संस्थापक हैं इंडिगो के, तो उन्हीं को नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, 4 फरवरी को इंडिगो की बात कर रहे हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में, मुख्यालय गुरुग्राम में है। चेयरमैन कौन है? मिले विटल दामोदरन। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एनिमेटेड ग्राफिक्स नॉवल अथर्व द ओरिजिन
में किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को मुख्य भूमिका में शामिल किया गया है? आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। ओके, ये एक वेब सीरीज़ है और इसका निर्माण महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी की कंपनी धोनी एंटरटेनमेंट ने इसको इस वेब सीरीज़ को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये वेब सीरीज़ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इस तरीके से ये है और माइथोलॉजी से ही जुड़ा हुआ ये पूरे चीज़ देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि प्राइम वीडियो पर ये देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, अथर्व, अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस फुटवेयर कंपनी ने दिशा पाटनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आंसर होगा बाटा, वो ब्रांड को बढ़ावा देगी, बाटा ने बनाया उनको। बाटा इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में, मुख्यालय गुरुग्राम में है, सीईओ हैं गुंजन शाह। अगला क्वेश्चन है, कंचोथ त्यौहार फेस्टिवल ये किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? आंसर होगा जम्मू कश्मीर। 3 दिवसीय त्यौहार होता है और वहाँ का यह स्थानीय त्यौहार है, विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये त्यौहार रखती हैं। ओके, जम्मू कश्मीर की बात कर लें, उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अमिताभ बच्चन किस डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म के एम्बेसडर बने हैं अभी हाल ही में? आंसर होगा मेडी बडी। ठीक है, मेडी बडी। अब सवाल आपसे जो मैंने किया था उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। मैंने सवाल आपसे किया था कि बजट 2022-23 में केंद्र सरकार ने कितने रुपए के खर्च का लक्ष्य रखा है, यानी बजट कितने का है? आंसर होगा 39.44 लाख करोड़ रुपए। ये है इंडिया का 2022-23 का बजट। ओके, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और फिर से बता दूं कि आप मेंबरशिप ले सकते हैं और उसमें बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। करंट अफेयर्स मिलेगा वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली और ईयर एंड तक, मतलब अभी से एक साल तक आपको ये मौका मिलेगा पीडीएफ पाने का। वीकली मॉक टेस्ट होगा, हर सप्ताह संडे को आप करंट अफेयर्स का टेस्ट दे पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी होगा जिसमें तमाम सारे सवाल, इसमें तो यानी वीकली मॉक टेस्ट में तो केवल करंट अफेयर्स क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ होगा वो यूपीएससी का होगा, एसएससी का होगा, स्टेट पीएससी का होगा और तमाम एग्जामिनेशन रेलवे के हैं, ग्रुप डी के हैं, उसका भी होगा। तो उसके थ्रू आप अपनी तैयारी को भी जांच सकते हैं और तमाम जो भी सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल साइंस हो गया, जनरल स्टडीज़ हो गया, करंट अफेयर्स, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 40% डिस्काउंट आप पूरे साल में कभी भी प्राप्त कर सकते हैं बुक्स पर, जो सरकारी जॉब में इसकी बुक है, और फ्री शिपिंग मिलेगी, तो बहुत ही फ़ायदा आपको मिल सकता है। अब कल मिलते हैं ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स साथ, कोशिश होगी लगातार आपको वीडियो मिले।